मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुरु प्यारे, हम लोग बात कर रहे थे मनने के बारे में, ईश्वर के नाम को मानने की महानता के बारे में, महात्म के बारे में। तो तीन पौड़ियां गुरु साहब की जपजी साहब में से हम लोगों ने आप लोगों से इससे पहले शेयर की हैं, उसका प्रयास किया है। जो भी टूटी फूटी भावार्थ दास शेयर कर सकता था आप लोगों से, जो ईश्वर ने तुच्छ बुद्धि दी है, तो उसका प्रयास किया। अब चौथी पौड़ी है मानने का जो महात्म है, क्योंकि पहले सुनने का था फिर मानने का जो महात्म है। चौथी पौड़ी में गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहब में फरमाते हैं, ये चौथी पौड़ी मानने को लेके, कि मानने का कितना बड़ा महात्म है, उस पे है चौथी। गुरु साहब फरमाते हैं कि मन ने पावे मोख द्वार, मन ने परवारे सुधार, मन ने तरे तारे गुरसिख, मन ने नानक पवे न पिख, ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि ईश्वर के नाम को, अल्लाह के, वाहेगुरु के, गॉड के नाम को जो मानने वाला जीव है, जो उसकी रजा में राजी रहने वाला जीव है, जिसे उस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, जो उससे एक सुर हो जाता है, उसे मोक्ष द्वार मिल जाता है, उसे मोक्ष मुक्ति मिल जाती है, सालवेशन मिल जाती है, वो जो आवागमन है उससे उससे छुटकारा मिल जाता है। मन ने पावे मोख द्वार, मन ने परवार ऐसा द्वार, जो उसका परिवार होता है, जो मानने वाला ईश्वर के नाम को, जो उससे ईश्वर से एक सुर हो जाता है, जो पूर्ण रूप से उसे मानता है ईश्वर को, जिसे उससे पूर्ण विश्वास है उसके ऊपर, ईश्वर के ऊपर, जो उसकी रजा में राजी रहने लगता है, वो अपने परिवार को भी तार देता है, उसका परिवार भी सुधर जाता है। अध्यात्म में सुधार हो, मतलब ये अल्टीमेट सुधार है, जो सारी कमियां हैं, जो पाप हैं, वो धुल जाते हैं और सुधर गया। आध्यात्मिक तौर पे सुधरना मतलब उनका भी उद्धार हो जाता है, उनका भी भला हो जाता है, उनके भी पाप सब धुल जाते हैं। वो अध्यात्म में असली सुधार है, ये संसारिक सुधार नहीं है। तो परिवार है साधार, मन ने तरे तारे गुरसिख, जो ऐसे मानने वाले के साथ में जुड़े हुए गुरसिख लोग होते हैं, जो उसकी संगत करते हैं, वो जो उसके साथ में अनुसरण करते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है, उनका भी पार उतारा हो जाता है, उन्हें भी ईश्वर का दर मिल जाता है, ईश्वर के दर का रास्ता मिल जाता है। मन ने नानक पवे न पिख, मन ने तरे तारे गुरसिख, मन ने नानक पवे न पिख। वो परिवार का उद्धार कर देता है, वो जो गुरसिख उसकी संगत करते हैं उनको भी तार देता है। ऐसा भक्त, ऐसा सज्जन, ऐसा जीव, ऐसा इंसान जो उस ईश्वर अल्लाह गॉड को पूरी तरह से मानने लगता है, जिसकी उसमें मुकम्मल आस्था हो जाती है, उसे दर दर की भीख नहीं मांगनी पड़ती, उसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, उसे दर दर पे अपमानित नहीं होना पड़ता, उसे दूसरों के रहमो करम पे नहीं जीना पड़ता, ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए। वो ऐसा पवित्र, ऐसा परम सत्य, ऐसा बेदाग नाम है उस ईश्वर का, उस निरंजन का, उस निरंकार का, उस अल्लाह का, उस मालिक का, जो उससे जुड़ जाता है, जो उसे मान लेता है पूरी तरह से, उसको बयां नहीं किया जा सकता। वो वही जान सकता है उस अनुभव को, वही महसूस कर सकता है, दूसरा कोई उसको बयां नहीं कर सकता है, बताया नहीं जा सकता। जैसे पहले शुरुआत में गुरु साहब ने कहा कि न लिखा जा सकता है, न इस पे विचार किया जा सकता है, न डिस्कस किया जा सकता है। वो तो जो उस अवस्था में पहुंच जाता है वही उसका अनुभव कर सकता है, और बस अनुभव ही कर सकता है, बयां तो वो भी नहीं कर सकता। तो ये चौथी पौड़ी थी गुरु नानक देव जी महाराज ने, जिसमें हम सबको, हम मूर्खों को, हम अज्ञानियों को, हम ना समझों को,
हम निर्गुणों को ये समझाने का प्रयास किया है कि भाई ऐसे ही किसी गलत फहमी में मत घूमते रहा करो, ऐसे ही मत कहते रहा करो हाँ हम तो मानते हैं। अरे भाई बहुत मानते हैं भगवान को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, गॉड को, हम तो बहुत मानते हैं, हम तो गुरु ग्रंथ साहब को, गुरु नानक को बहुत मानते हैं। लेकिन नहीं, हम सबको गलत फहमी है, एक भ्रम है, ये जो इल्यूजन है इससे निकलना होगा। ये चार पौड़ियां एक कसौटी है, एक मापदंड है, एक पैमाना है। इस पे आप इन पौड़ियों को सुने, पढ़ें और रख के देखें अपने आप को कि क्या ऐसा कुछ अनुभव आपको हुआ है या हो रहा है, क्या सारे भवनों की शुद्ध हो गई है। ये अगर आपको नहीं है तो इसका मतलब ये है जो जो इसमें गुरु साहब ने फरमाया, अगर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं किंतु है, कहीं अड़चन है, कहीं कचरा है, उसको साफ करने की जरूरत है। और साफ कैसे होगा? वो सुनने से, ईश्वर की शरण में जाने से। शरण में कैसे जाना है? मैंने पहले भी एक वीडियो में ये कहा था, अगर आप गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च नहीं जा सकते हैं, यानी आपके निकट नहीं है, या ऐसी आपकी अवस्था है, आप कोई बीमार हो सकता है, चलने फिरने में उसको दिक्कत है, या अपने कारोबार में ऐसा फंसा हुआ है, तो जहां बैठे हुए हैं, जहां रहते हैं, वहीं ढह पड़िए उसके दर पे। क्योंकि गुरु साहब ने बार बार, मैं इसीलिए कहता हूं कि गुरु नानक देव जी महाराज ने सारे कपाट खोल दिए। अब ये सारे जो महापुरुष हुए, ये जो ईश्वर का रूप थे, गुरु नानक देव जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, रविदास जी महाराज, नामदेव जी महाराज और सारे गुरु साहिबान और भी महापुरुष, शेख फरीद जी महाराज, इन्होंने सब कपाट खोल दिए। ये आध्यात्मिक संसार में बहुत बड़े क्रांतिकारी थे उस दौर में, उन समयों में। देखिए आप, जब इतनी कट्टरता थी, और गुरु नानक देव जी महाराज ने तो वो जो तमाम जो शिखर थे उस वक्त, कहीं सिद्ध गोष्ठ कर रहे हैं, कहीं काबा शरीफ पहुंचे हुए हैं, कहीं पुरी पहुंचे हुए हैं, गया पहुंचे हुए हैं, हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, यानी जो गढ़ थे उस वक्त, उनके सबके भ्रम तोड़े जा जाके कि ईश्वर को पाना भाई तुमने क्यों उलझा रखा लोगों को। ये गाड़ी रहा है गुरु नानक देव जी महाराज का। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि ठीक है, हम किसी से ये नहीं कहते कि तुम सिख बन जाओ। सिख बनना क्या है? जो गुरु नानक की जो शिक्षा है उसका अनुसरण करे, यानी शिष्य, सीखने वाला, जो उस ईश्वर, उस अल्लाह, उस वाहेगुरु, उस गॉड के बारे में सीखने के लिए हर वक्त तत्पर रहता है, लालायित रहता है, विचलित रहता है, वो सिख है। और सिख होना क्या है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सगल से हमको बने आई, सब बराबर है, सब उसकी संतान है, एक हसके हम भारिक। यही संदेश गुरु नानक देव जी महाराज ने जा जाके दिया। शास्त्रार्थ हुए बड़े बड़े औलियों से, पीरों से, बड़े बड़े प्रकांड ज्ञाताओं से, सिद्धों से, चाहे नानक मत्ता साहब गए तो वहां हुआ, और सबने कोशिश की। जैसे आज के दौर में आप देखें तो अगर कोई किसी के पास थोड़ा बहुत ज्ञान है तो कितने उसके विरोधी पैदा हो जाते हैं, उसको नीचा दिखाने वाले, उसको क्रिटिसाइज करने वाले। तो उस दौर में जब इतनी कट्टरता थी, क्या हो रहा होगा। लेकिन देखिए, एक एक को गुरु साहब ने जाके जवाब दिया, धराशायी किया, नतमस्तक किया। तो ऐसी हस्तियों ने, यह हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी इलाही वाणी, ऐसी तुर्की वाणी, ऐसी अमृत वाणी, ऐसा ज्ञान, दिव्य ज्ञान, अद्वितीय, ये अद्वितीय है, ऐसा ज्ञान उपलब्ध है। लेकिन हमारे पास समय उपलब्ध नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। ना हो तो अलग बात है, क्योंकि जो परिपाटियां, जो चलन था उस वक्त, सब लोग उसमें खचित थे। लेकिन गुरु नानक देव जी ने एक खुला गाड़ी राह दिखाया, सीधा राह दिखाया, उस मालिक से कनेक्ट करने का, उस मालिक तक पहुंचने का, उस मालिक को हासिल करने का। सारे प्रपंच, सारी परिपाटियां, सारे कर्मकांड तोड़ दिए, खत्म कर दिए, और लॉजिकली, और सबने उसका लोहा माना जो प्रमाण गुरु साहब ने दिए। खैर, ये अब उनका, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि वही नमक मिर्च मसाला सब्जी होती है, एक आप बनाता है तो आदमी उंगलियां चाटता रहता, दूसरा बनाता है तो आदमी आधा छोड़ देता है। तो अब
अभी ये बताने वाले भी तो गुरु नानक देव जी महाराज थे भाई। वो लोग जिन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन किए होंगे, वो लोग जिन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी सुनी होगी, उनकी आवाज सुनी होगी, क्या बात है भाई, कैसे लोग होंगे वो। वो लोग भी धन्य होंगे जिनको ऐसा सौभाग्य हासिल हुआ कि उन्होंने देखा, अपनी आंखों से दर्शन किए, उनका सानिध्य प्राप्त किया, उनकी वाणी को सुना। कितने भाग्यशाली लोग होंगे वो। तो वो गुरु नानक थे। गुरु नानक देव जी महाराज ने जब उचरा तो नेचुरली उसका असर हुआ सब पे, जहां भी जाके उचरा, चाहे जैसे भी कट्टर लोग थे, चाहे कितने बड़े ज्ञाता थे, प्रकांड ज्ञाता थे, कट्टर थे, लेकिन मोम हो गए। हम लोग, हमारा ये सौभाग्य है कि गुरु साहब ने दया की। मेरे जैसे निर्गुण पे दया की। अब देखिए कहां फिल्म इंडस्ट्री, कहां एक्टिंग लाइन, और कहां गुरु नानक की वाणी। तो ये मेरा भाग्य है। मैं अक्सर ये कहता रहता हूं, मेरे पास तो शब्द नहीं होते हैं, कैसे मैं उनका ऋणी, मेरा रोम रोम ऋणी है कि उन्होंने मेरे ऊपर इतनी दया की, कृपा की, मुझे एक माध्यम, एक जरिया बनाया, इस लायक समझा। तो अगर हम लोग जुड़ गए हैं किसी तरह से, ये हम सबका भाग्य है, वाणी से जुड़ गए, जैसे भी जुड़े, जितने भी जुड़े, इस चैनल से जुड़ गए, मंगल ढिल्लों चैनल से आप लोग जुड़ गए, और उसमें फिर गुरु ने ये सेवा लेनी शुरू कर दी, ये रास्ता दिखा दिया, और ये आप लोगों तक पहुंच जाता है। तो आप भी और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके गुरबाणी की, खास करके हरि नाम की, अल्लाह के, वाहेगुरु के नाम की। क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूँ कि अगला जो समय आ रहा है उसमें सिर्फ ईश्वर, हरि नाम, अल्लाह का नाम, वाहेगुरु का नाम ही हमारी मदद करेगा, वही हमें बचा पाएगा, और कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि चारों तरफ माहौल घातक है, खतरनाक है, जानलेवा है, सब तैयारियां हो चुकी हैं। मैंने एक जगह जिक्र किया था, एक शक्ति आई थी परी लोग से, वो भी वृतांत शेयर करूंगा आने वाले दिनों में। तो वो बहुत पहले कह गए थे, करीब 5 साल हो गए होंगे, 4-5 साल पहले, कि महाविनाश की तैयारियां हो चुकी हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, वो महाविनाश की ही तैयारियां हैं मित्रों। और मुझे 2018 में मैंने जिक्र किया कि वो जो ईश्वरी शक्ति है, मैं तो उनको ईश्वरी मानता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा बहुत भयानक टाइम आ रहा है। तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं पहले भी एक वीडियो मैंने कहा कि कैसे लॉकडाउन हो जाएगा, हो गया ना, कैसे मुंह पे सबके मास्क आ जाएगा, हो गया ना, कैसे घर में बंद हो जाएंगे सब, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, और कैसे अब वैक्सीन की बातें हो रही हैं, कैसे दोबारा लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, कैसे माइक्रोचिप की बातें हो रही हैं, कैसे जेनेटिकली जो ऑल्टर्ड बीजों की बातें हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बातें हो रही हैं, बड़ा गड़बड़ मामला है आगे, आप सोच नहीं सकते हैं। जो कैशलेस इकॉनमी की बातें हो रही हैं, और जो चिप है, तो आप सोच नहीं सकते हैं। हम लोगों को एहसास ही नहीं है किस लेवल पे क्या हो रहा है। तो ऐसे में सिर्फ ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड हमारा सहारा बन सकता है। प्रार्थना किया करें सुबह शाम, उठते बैठते परिवार के साथ बैठ के 10-15 मिनट लगा लिया करें इस प्रार्थना में कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हमें माफ़ कर दो, और जो भी दुष्ट लोग, आप तो जानते हो, क्योंकि यहाँ तो सब जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम तो संसार को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए मास्क लगाते हैं, आपको बचाने के लिए लॉकडाउन करते हैं, आपको बचाने के लिए हम लोग जो है ये वैक्सीन लगाएंगे, आपको बचाने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ तबाह होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में है प्रभु, जो आपको पता है, जो भले हैं, जो वास्तव में लोगों को बचाने के लिए करें, उनकी रक्षा करो, लेकिन जो तबाह कर रहे हैं, जो दुष्ट हैं, जो राक्षस हैं, जो हरणाकश्यप हैं, प्रभु उनको या तो सद्बुद्धि प्रदान करो, या उनका सर्वनाश कर दो, उनका दमन कर दो। प्रभु आप ही कर सकते हो। जब जब संसार में ऐसी अवस्था आई तो आप पधारे हैं, किसी न किसी रूप में आप भी पधारिए प्रभु। ये प्रार्थना शुरू करिए, और ये नाम जैसे मैंने कहा मानना, जैसे सुनना, ऐसे हम आगे भी जारी रखेंगे, जैसे ईश्वर की कृपा होगी, गुरु साहब की कृपा होगी। लेकिन ये टाइम ज़ाया मत करिए, क्योंकि फिर आग लगने पे कुआं खोदने वाली बात हो जाएगी, फिर जपा नहीं जाएगा। डर भय का वातावरण इतना ज़्यादा होगा, इतनी ज़्यादा अनिश्चितता होगी, इतनी ज़्यादा भुखमरी की नौबत आ सकती है, आप सोच नहीं सकते हैं। तो अभी से शुरू करें, और गुरु नानक देव जी का मार्ग, गुरबाणी अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। जैसा मैं स्वामी राम तीर्थ दंडी सन्यासी, प्रकांड प्राणों, शास्त्रों, वेदों के ज्ञाता थे, उन्होंने भी यही कहा है। तो मैं कई बार, इसलिए कुछ लोगों को ना लगे कि भाई मैं सिख हूँ, सिख परिवार से हूँ, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, सभी ने ये कहा है, और लेटेस्ट वर्जन है ईश्वर के नाम का। हमने तो अपना फ़ायदा देखना, अपना लाभ देखना है, जहाँ से हो जाए, यहाँ से होता तो यहाँ से,
या जिस भी भगवान पे आपका मन टिकता है, जिस पे आपको विश्वास है, जिसको आपका मन मानता है, क्योंकि बात तो वहीं पहुंचनी है, बस उसी के आगे अरदास, बेनती, प्रार्थना, दुआ करनी शुरू कर दो, प्रेयर करनी शुरू कर दो, तो शायद हम लोगों का कुछ छुटकारा मिले, हमें कोई बचाव हो जाए, ईश्वर रक्षा करे हमारी आके, वरना आप सोच नहीं सकते हैं आने वाले दिनों में हम सब देखेंगे और मेरी ये बातें आप लोगों को याद आएंगी। और अगर ये चैनल, ये मेरी ये जो वीडियोज़ हैं, इनको ब्लॉक नहीं करेंगे तो ये भी जारी रहेगा सिलसिला, लेकिन हमारे पास हो सकता है आने वाले टाइम में ये नेट वगैरह और भी बहुत सारी दिक्कतें आएँ, इसमें इंटरनेट वगैरह या गाड़ियाँ या बिजली, इनमें भी दिक्कतें आएँ, ऐसा महापुरुषों का फरमान है, मुझे नहीं मालूम उसमें कितनी सत्यता है, लेकिन विकट स्थिति आने वाली है, खास करके ये जो नवंबर एंड से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन महीनों में, तो ईश्वर का नाम ही हमें हिम्मत देगा, सहारा देगा, कुव्वत देगा, हौसला देगा और छतरी देगा, हमारा बचाव करेगा, कोई विधियां बनाएगा, रास्ता बनाएगा, जैसे मैंने अक्सर कहा है कि बिल्डिंग भूचाल में गिर जाती है और 7-10 दिन बाद एक बुजुर्ग या कोई बच्चा उसमें से बच जाता है, बर्फ में से 22 दिन बाद जिंदा आदमी निकल आता है, फौजी निकल आता है, तो उसके रंग हैं, हवाई जहाज में क्रैश होता तो आदमी पेड़ पे टंगा मिल जाता है, तो कैसे हमको बचाएगा, लेकिन ये भी महापुरुषों का फरमान है कि जो सतयुगी लोग हैं, सदाचारी लोग हैं, ईश्वर के भाव में रहने वाले लोग हैं, उसको प्रेम करने वाले लोग हैं, उसकी रजा में राजी रहने वाले लोग हैं, उसकी प्रार्थना वंदना भक्ति करने वाले लोग हैं, उनकी रक्षा होगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि आगे सतयुग की शुरुआत होनी है, तो जितने कलयुगी टाइप के लोग हैं उनका संहार होना सुनिश्चित है। अब वो जाने या ईश्वर जाने, हम लोग तो सामने हमारे आ ही जाना है, जो उन्होंने कहा है और जो मैं, जो मुझे इशारे मिलते रहे मैं शेयर करता रहा हूं। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि देर मत करें, किसी दुविधा में मत रहें, शुरू करें, इसमें नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है, और कुछ नहीं तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा, कुछ हम कमाई करके चले जाएंगे संसार से, हमें छुटकारा मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई और इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, अगर ऐसा आप करते हैं तो मैं आप सबका आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लों चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लों चैनल,